अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली अपने घर में खुश और आबाद होगी। आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट मैं कर रही हूँ संडे सुबह मॉर्निंग के टाइम से। अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं अभी सुबह के, और अभी मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बाहर नाश्ता करने। काफ़ी टाइम बाद हम लोग जा रहे हैं बाहर नाश्ता करने, तो बस अभी बस हम लोग चलते हैं और अब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। और हम लोग एक न्यू रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं जहाँ पे रिसेंटली ही नाश्ते का सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ ऊपर। यहाँ मैं बहुत दफ़ा आ चुकी हूँ लेकिन नाश्ता करने फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, और मैं फिर आप लोगों को इनका टेस्ट भी बताऊँगी कि इनका टेस्ट कैसा था। सेटअप वगैरह तो ऑलमोस्ट इस रेस्टोरेंट का वैसा ही था जैसे हम लोग रात में खाना वगैरह खाने आते हैं, लेकिन टेस्ट की अगर बात करें तो फिर मैं आपसे आगे चल के टेस्ट की बात करती हूँ। और आज है मेरे घर में इवेंट, मेरे ससुराल में इवेंट है जिसकी प्रिपरेशन चल रही थी, आपने लास्ट व्लॉग में देखा था। तो बस आज है वो इवेंट, आपको मैं उसकी प्रिपरेशंस भी दिखाऊंगी, सब तैयारी भी दिखाऊंगी। यहाँ पे आ गया था नाश्ता, नाश्ता बस सही था, मतलब रिस्क है ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन टेस्ट इतना कोई ख़ास नहीं था इसका, बस नॉर्मल था नाश्ता। लेकिन हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि शायद बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल था नाश्ता। लेकिन इनकी चाय जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन होती है ना, वो बहुत मज़े की थी। इनकी चाय हमें बहुत पसंद है, हम लोग बहुत मज़े से पीते हैं इनकी चाय, तो इनकी चाय ये था कि काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद नाश्ता वगैरह से फारिग होने के बाद मैं आ गई थी अपने ससुराल, और ये स्टैंड जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाया था, ये स्टैंड मैंने यहाँ पे डन कर लिया है, मतलब उसको ऑर्गेनाइज कर लिया है अच्छे से। और अब दिखाती हूँ मैं आपको डिकोर। अच्छा, पहले हम लोगों ने ये वाला डिकोर करा था जैसा मैं चाह रही थी ना वैसा डिकोर करना, लेकिन फिर नहीं समझ आया मुझे और फिर मैंने डिकोर चेंज करके इस तरीके का कर लिया। ये हैं फ्रेम्स, गुडीज़ बैग, अल्फ़ाबेट है, साइड में वो स्टैंड है, आप लोग देख सकते हैं। ये सारी प्रिपरेशन, सारा सेटअप मैंने ही करा था, और मैंने जिस पेज से ये सामान मंगवाया था उस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। फेसबुक का एक पेज है, उन्होंने काफ़ी कॉपरेट करा मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें गाइड करी और काफ़ी अच्छा उन्होंने सामान भेजा था। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी और नाम भी स्क्रीन पर चल रहा होगा फेसबुक पेज का, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने इवेंट्स को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। और ये आ गया था केक, केक जैसे कि बताया था कि यमन बेकर की तरफ से था केक। और ये है ओवरऑल सेटअप, आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल सके सेटअप के बारे में। तकरीबन ये ज़्यादातर सामान जो था वो मेरा घर में खुद का बनाया हुआ था, हैंडमेड था, क्राफ्ट था। उसके अलावा जो कुछ सामान था वो मैंने मंगवाया था उस फेसबुक पेज से, काफ़ी अच्छे और रिजनेबल रेट्स हैं उनके, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, वहाँ जाएं, आपको जिस रेंज में चाहिए आपको उस रेंज में वो सामान दिखाएंगे। ये थी ओवरऑल लुक। और अब चलते हैं केक कटिंग सेरेमनी की तरफ, और ये कैंडल्स भी मैंने मंगवाई थी लेकिन ये कैंडल्स मैंने उस पेज से नहीं ली थी, मैंने मतलब कि बाहर मार्केट से ही ली थी। और अब यहाँ पे हो रही है केक कटिंग सेरेमनी, लेकिन अनाबिया काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, वो डर रही थी। वैसे वो रोती तो नहीं है लेकिन अभी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वो रो रही थी। और ये है स्टार कैंडल, ये भी उस पेज पे अवेलेबल है। और उसके बाद अब हो रहा है थोड़ा बहुत अनाबिया का डांस, जिसको हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और अब आ गई थी बारी गिफ्ट्स ओपनिंग की, और बस अब यहाँ पे कर रहे हैं गिफ्ट्स ओपन। गिफ्ट्स ओपन हो चुके हैं, ये हैं माशाल्लाह से अनाबिया के ड्रेसेस, ये टॉयस हैं, और वो खूब भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वो अपने गिफ्ट्स को देख के, और बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह खुश थी। अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करें, आमीन सुम्मा आमीन। और उसके बाद नेक्स्ट डे ये जो आप केक देख रहे हैं यमन बेकर की तरफ से था ये केक, क्योंकि मेरे चाचू आए हैं सऊदीया से, तो मैं उनके लिए बना के लेके गई थी उनके घर मंडे की इवनिंग के टाइम पर। अभी तकरीबन शाम के 6 बज रहे हैं, बर्थडे के बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, उसके बाद हम लोग घर आ गए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, और फिर हम लोगों ने कुछ भी शूट नहीं करा और फिर सो गए, और जब उठे तो फिर यहाँ पे आने की तैयारी में लग गए। और बस अभी यहाँ पे चच्ची कर रही हैं नाश्ते की तैयारी, चाय वगैरह, और वो अपना मतलब कुछ फ्राइड आइटम वगैरह कर रही हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा हम लोगों ने टाइम स्पेंड करा क्योंकि चाचू
अच्छा, तकरीबन 1.5 साल बाद वापस आए हैं पाकिस्तान। तो फिर मेरे पेरेंट्स भी आए थे हम लोगों के साथ, मैं और मेरे हस्बैंड थे। और फिर मेरे हस्बैंड मुझे आज अभी यहीं पर ही छोड़ के चले जाएंगे ऑफिस, और फिर मैं जाऊंगी अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर, क्योंकि मेरे भाई वगैरह थे साथ में, तो ये है कि मैं उनके साथ चली जाऊँगी। आप अच्छा लगता है जब सब फैमिलीज माशाल्लाह से साथ होती हैं। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर पियेंगे चाय। अता ये नाज ये अंदाज आपका, ये अता ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। बस अब चाय वगैरह पीने के बाद हम चले जाएंगे घर, और घर जाके मेरा भाई मुझे बना के देगा पिज़्ज़ा। लेकिन हुआ कुछ यूँ, मैं घर आई और वो घर पे नहीं था, वो चला गया था बाहर। और फिर मैं नाराज़ होकर अपने घर वापस आ गई थी अपने दूसरे वाले भाई के साथ। लेकिन वापस घर आया छोटा वाला, तो फिर वो मुझे घर पे लेने आ गया था कि नहीं, उसने मुझे प्रॉमिस किया था। तो वो बस उसको पता था कि आप ही हो गई है नाराज़। और अब हम लोग यहाँ पे खाएंगे पिज़्ज़ा। अब चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, फी अमान अल्लाह।